हाय गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टम क्लासेस में। आज हम समझने वाले हैं कॉमन एरर। इसके पहले आपको 15 अगस्त की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, नो एरर। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि आप अगर इन पे कोई मिस्टेक ना तो नो एरर पे ट्रिक मार देंगे। किस पार्ट में मिस्टेक है बताइए आप। मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, मिस्टर मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वर प्रेजेंट उपस्थित थे एट द स्टेशन, स्टेशन पर। ये इसकी हिंदी निकल रही है, देखने में तो मिस्टेक लगेगा नहीं क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक होते हैं। यहाँ पे वर नहीं होगा, वाज होगा, मिस्टेक यहाँ पर है। मिस्टर मिश्रा बिल्कुल करेक्ट है, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ये जो विद है ना, क्यों यहाँ पे वाज होगा ये समझिए। जो विद है ना, ये विद इज अ कनेक्टर, विद इज अ बेगम। विद क्या है? बेगम है। विद क्या है? कनेक्टर है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। यानी जो विद है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन को अपने से कनेक्ट कर रखी है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन आपके बादशाह हैं। ये क्या आपके बादशाह? बादशाह का मतलब क्या? नाउन। राज किसका चलता है? बादशाह का। तो हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन आपके क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब क्या? बादशाह है। और विद क्या है? आपकी बेगम है। विद क्या है? बेगम है। यानी जो विद, अब बताइए, चिल्ड्रेन के अनुसार यहाँ पे वर लगा था तो, लेकिन जो ये बेगम है, बेगम कहती है मैं वर्ब अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के अनुसार लेती हूँ, यानी अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार मैं वर्ब लूंगी। ये विद कहती है, यानी मिस्टर मिश्रा आपके सिंगुलर हैं तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। मिस्टर मिश्रा आपके सिंगुलर हैं तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? फिर समझिए, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, विद क्या है? आपका प्रेपोजिशन है, बेगम है। जो हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन को क्या आपने से कनेक्ट कर रखा है? अब बताइए, मैंने कह दिया कि ही एंड चिल्ड्रेन और हिज वाइफ क्या है? आपके नाउन है। नाउन का मतलब क्या? बादशाह है। अब बादशाह अपने मन से काम थोड़े ना करेगा, जो बेगम कहेगी ना वही ना करेगा। अब बेगम कहती है, विद कहती है कि मैं वर्ब अपने एंटीसीडेंट, अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लूंगी। मिस्टर मिश्रा है सिंगुलर, इसलिए वर्ब यहाँ पे लग गया वाज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये बात की बात है जब तक सेंटेंस में फैक्ट ना हो। देखिए कभी कभी फैक्ट की वजह से क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है, तो उसमें कुछ एक्सटर्नल चीजें जुड़ती हैं तब ऐसा होता है, नहीं तो ये चीजें ईश्वरीय हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। फर्स्ट कॉमन एरर समझ में आया आपको? 1 मिनट फ्रेंड्स, आपके सामने ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, नो एरर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, बैड न्यूज बुरी खबर ऑलवेज हमेशा ट्रेवल यात्रा करती है फास्ट, तेजी से, नो एरर, कोई मिस्टेक नहीं है। किस पार्ट में मिस्टेक है? पहले समझिए, बैड न्यूज बुरी खबर, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, नो एरर। बुरी खबर हमेशा तेजी से यात्रा करती है, ये इसकी हिंदी निकल रही है, बुरी खबर हमेशा तेजी से यात्रा करती है। बैड न्यूज एकदम करेक्ट है यहां तक। ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगा है, ऑलवेज एडवर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेवल मिस्टेक इसमें है, यहाँ पे ट्रेवल ना होगा, ट्रेवल्स होगा। मिस्टेक किसमें था? आपका थर्ड वाले पार्ट में है, ट्रेवल ना होकर ट्रेवल्स होगा। फास्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब कहोगे क्यों ट्रेवल होगा? न्यूज होता है आजीवन सिंगुलर। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब भी लगाते हैं सिंगुलर। मैंने बोला था ये रूल्स आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ईश्वरीय है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। इसलिए ट्रेवल की जगह यहाँ पे ट्रेवल्स होगा, क्योंकि न्यूज होता है आजीवन सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब भी क्या लगेगा? आजीवन लगेगा सिंगुलर। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया, बुरी खबर हमेशा ट्रेवल यात्रा करती है, ट्रेवल ना होकर ट्रेवल्स होगा, यात्रा करती है, क्योंकि न्यूज आपका सिंगुलर है।
देखिए कुछ वर्ड आपके आजीवन सिंगुलर होते हैं, ये कौन कौन से वर्ड हैं आपके यहाँ पे लिख देते हैं। ये सेंटेंस आपका राइट है, थर्ड में गलती है, यहाँ पे ट्रेवल ना होकर ट्रेवल्स हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी न्यूज दिख जाए, न्यूज क्या होता है, आजीवन सिंगुलर होता है, सीनरी दिख जाए, आजीवन सिंगुलर होता है, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, सीनरी का मतलब दृश्य होता है, दृश्य, पोइट्री, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, आपको ये वर्ड कहीं भी दिख जाते हैं, ये आजीवन होते हैं सिंगुलर, न्यूज हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर, ब्रेड, पोइट्री, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, अल्फाबेट, ये वर्ड आपके क्या होते हैं, आजीवन होते हैं सिंगुलर। अब वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर, ये होते हैं आजीवन सिंगुलर, अब वर्ब भी लेते हैं आजीवन सिंगुलर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल, नहीं ट्रेवल्स होगा, क्यों, न्यूज होता है आजीवन क्या सिंगुलर, इसलिए ट्रेवल ना होकर क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स हो जाएगा। न्यूज याद कर, न्यूज, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, पोएट्री, ऑफिस, स्पेलिंग, मशीनरी, अल्फाबेट, ये आजीवन होते हैं सिंगुलर, अवर में भी लगेगा सिंगुलर। समझ में आया दूसरा कॉन्सेप्ट, चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको फ्रेंड दिया है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, आपका तीसरा क्वेश्चन है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक लंबी संख्या में विद्यार्थी हैज अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है प्रार्थना पत्र दिए, ठीक, यानी एक लंबी संख्या में विद्यार्थी प्रार्थना पत्र दिए फॉर द जॉब, जॉब के लिए, इन द नेवी, ओए होए होए होए, नेवी 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 नेवी, यानी कि नेवी के लिए, फॉर द जॉब, नेवी के जॉब के लिए प्रार्थना पत्र दिए एक लंबी संख्या में विद्यार्थियों ने, इसमें आप बताना है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, हमने आपसे बोला कि जब सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वर्ब क्या लगता है, वर्ब भी लगता है प्लूरल, जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब क्या लगता है, वर्ब भी लगता है सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, स्टूडेंट्स है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे हैज होगा, नहीं क्या होगा, हैव होगा, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, समझे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ, कहीं भी दिख जाए आपको दुनिया में कहीं भी दिख जाए लार्ज नंबर ऑफ, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना, प्लूरल नाउन का यूज करना, और जो वर्ब भी लगाना, क्या लगाना, प्लूरल लगाना, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज करना और वर्ब भी प्लूरल लगाना, समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं क्या होगा, हैव होगा, समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, इस ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका एस राइट आंसर होगा। समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो आज की फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कॉमन एरर के लिए, ठीक, आप हमारे साथ क्लासेस गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।